हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को इस मिनी ग्राइंडर के बारे में बताया था कि कैसे छोटे मोटे कामों के लिए, DIY प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लिए ये बढ़िया है। बट लेकिन अगर काम बड़ा हो, हैवी हो, हार्ड हो तो तब ये फेल हो जाता है। तो ऐसे केस में मुझे फिर से इस भारी भरकम ग्राइंडर को बाहर निकालना होता है। और इस ग्राइंडर के साथ एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, अगर मैं कहीं रिमोटली वर्क कर रहा हूँ और वहाँ पर AC 220 मेंस नहीं है तो ये भी बेकार है। तो इन दैट सिनेरियो मुझे ज़रूरत थी एक ऐसे ग्राइंडर की जो कि कहीं पर भी चल जाए, मतलब कि कॉर्डलेस हो और थोड़ा सा दमदार हो एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो मैंने मंगवाया है एक ऐसे ग्राइंडर को। आई थिंक कि कंपनी का तो आता पाता नहीं, बट ये एक मिनी ग्राइंडर सेट है। ये कुछ इस टाइप का दिखता है, मैं अभी दिखाऊंगा। तो आइए आज करते हैं इस ग्राइंडर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिज़ाइन को, परफॉर्मेंस को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या इससे मैं अपने काम को फुलफिल कर पाऊंगा, मतलब कि क्या सच में ये मंगवाने लायक या फिर लेने लायक है। तो चलिए आज देखते हैं ये सब। सबसे पहले कर लेते हैं इसका डिब्बा खोल। ये ग्राइंडर आया है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। ये एक मिनी ग्राइंडर सेट है, दिखने में ये कुछ इस टाइप का है। कॉस्ट इफेक्टिव, सुपर कॉम्पैक्ट और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए ये बनाया गया है मिनी ग्राइंडर सेट। यहाँ पर आप इसके कुछ पैरामीटर्स पढ़ सकते हो। चंक का डाया है 0.3 से लेकर 3.2 mm, रेटेड वोल्टेज है 12 volt, पावर है 12 watt और नो लोड स्पीड है 14,000 RPM की। तीन मॉडल्स हैं, 101, 201 और 303। तो कुछ इस टाइप की इसकी पैकिंग है। चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स। डिब्बे में एक तो ग्राइंडर हो गया ग्रे कलर में, कुछ बिट्स हैं, एक USB टाइप ए टू मिनी माइक्रो USB केबल होगी, एक छोटा सा धमकी वाला पत्र भी है और फाइनली एक यूज़र मैनुअल भी है जो कि आई थिंक पढ़ना मुश्किल है हमारे लिए। तो बस डिब्बे में यही कुछ आता है। चलिए अब देखते हैं ग्राइंडर को। तो यह है मिनी ग्राइंडर, बैटरी ऑपरेटेड, वायरलेस, कॉर्डलेस। तो दिखने में ये कुछ इस टाइप का है, ग्रे कलर का है, प्लास्टिक की बॉडी है, मॉडल है DM241। अब डिब्बे में 241 मॉडल तो था नहीं, तो आई थिंक ये डिब्बा किसी और का भेज दिया और प्रोडक्ट कुछ और है। तो मॉडल है DM241 और ये गुनाशी का प्रोडक्ट है। डिज़ाइन फॉर प्रोफेशनल यूजर्स। मिनी ग्राइंडर वोल्टेज 3.7 volt है, ना कि 12 volt, और स्पीड 3000, 6000, 9000, 12000 और 15000 RPM की है। एक बटन है फॉर लाइट, स्पीड कंट्रोल के लिए दो बटन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये जो प्रोडक्ट है ये इन्हीं बटन से ऑन ऑफ भी होता है। पीछे की साइड को माइक्रो USB पोर्ट है फॉर चार्जिंग, 6 screws हैं, वेंट है फॉर ईयर, यहाँ पर LED लाइट है और ये इसका चंक हो गया, यहाँ पर इसका लॉक भी है। साथ में आपको कुछ और भी चंक्स मिल जाएंगे फॉर डिफरेंट बिट साइज। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन तो ड्रिल बिट्स मिलती हैं, अगेन इनका डाया अलग अलग है फॉर डिफरेंट चंक्स। यहाँ पर कुछ पॉलिशिंग पैड्स भी हैं, ग्राइंडिंग बिट भी है, एक बिट होल्डर हो गया जिसमें आप कटिंग व्हील को लगा सकते हो या फिर कोई भी एसेसरी है उसको लगा सकते हो। ये बिट होगी फॉर दिस थिंग, अगेन कुछ ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग व्हील्स हैं, इस पर आप इस सैंड पेपर को कुछ स्टेप्स लगा सकते हो। एक कटिंग व्हील भी साथ में आता है, यहाँ पर आप देख लीजिए एक कटिंग व्हील है जिसको आप इसके ऊपर फिट कर सकते हो फॉर कटिंग पर्पस। और यहाँ पर ग्राइंडिंग के लिए कुछ और भी है और एक छोटा सा ग्राइंडिंग टूल और है, सेम थिंग ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टूल और है। और यहाँ पर आपको डिफरेंट चंक्स भी मिल जाएंगे, एक तो यहाँ पर लगा हुआ है, डिफरेंट डायल्स के हैं ये। आई थिंक कि मिनिमम वाला ये हो गया, इसमें आप 0.3-0.2 mm तक की बिट को लगा सकते हो। और सबसे बड़ा आपको दिखा देता हूँ, ये वाला हो गया जिसमें आप अप टू 3 या फिर 3.5 mm तक बिट्स को लगा सकते हो। चलिए कुछ ग्राइंडिंग और कटिंग करके देखते हैं। बिट को लगाने के लिए आपको इसको इसके अंदर डालना होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि बिट का क्या डायमीटर है, तो उसके हिसाब से आपको चंक्स को चूज़ करना होगा। उसके बाद
आप इस लॉक बटन को प्रेस कीजिए और इसको घुमा दीजिए। तो ये बिट अब लग चुकी है और अगर मुझे अब इससे ग्राइंडिंग करनी है तो मुझे इस बटन को प्रेस करना होगा। स्पीड को बढ़ाने के लिए मैं इस बटन को प्रेस करता चला जाऊंगा और स्पीड बढ़ती चली जाएगी, मैक्सिमम अप टू 15,000 आरपीएम एट नो लोड। और अगर फर्दर मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये बंद हो जाएगा। अगर मुझे तुरंत ही फास्ट स्पीड चाहिए तो मैं नेगेटिव को प्रेस करूंगा, अगर मुझे स्लो से आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव से। चलिए अब इसको इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट एज कम्पेयर टू दिस मिनी ग्राइंडर ये गुनिशी का DM241 ज़्यादा पावरफुल है, बट दोस्तों इतना भी पावरफुल नहीं कि ये रिप्लेस कर सकता है इस प्रो ग्राइंडर को। तो डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए या फिर आपको पावर चाहिए, आप कोई भी चूज कर सकते हो। बट राइट नाउ आई विल से डैट कि छोटे मोटे कामों के लिए तो दोस्तों अभी भी मेरा यही परफेक्ट टूल है, बट अगर कहीं पर थोड़ा बहुत हैवी वर्क करना है और वहाँ पर अगर मैं अपने उस प्रो प्रोफेशनल टूल को नहीं ले जा सकता हूँ तो इन दैट सिनेरियो मैं गुनिशी के इस DM241 को वहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो काफ़ी बढ़िया ये ग्राइंडर है और मैं इसको रिकमेंड भी करता हूँ। आइए आप देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, कौन सा ड्राइवर है, कौन सी मोटर है और कितने एम्पियर आवर की बैटरी है। सबसे पहले मुझे इस चंक को बाहर निकालना होगा, उसके बाद इसको बाहर निकालना होगा, 6 स्क्रूज हैं इनको बाहर निकालना होगा। अब केसिंग को ओपन करते हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी दोस्तों ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अगर आप स्क्रूज को देखोगे तो प्लास्टिक इस पर निकल रहा है, तो डेफिनेटली प्लास्टिक उतना बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसकी मोटर मिल जाएगी, ये बैटरी होगी 2000 mAh की, ये बैटरी है लिथियम आयन, और जो ड्राइवर सर्किट है वो इसके नीचे है। चलिए उसको भी बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरी असेंबली बाहर निकल गई है। यहाँ पर आप इसकी मोटर को देख सकते हो, मोटर है 3.7 वोल्ट की KFC 280 SA, और ये दोस्तों इसका चंक हो गया, एक बियरिंग भी लगी हुई है। बैटरी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जो कि बोर्ड पर यहाँ से कनेक्टेड है, और बोर्ड पर 3 फिजिकल बटन्स हो गए और काफ़ी सारे असेंबली कंपोनेंट्स भी हैं। आइए इनको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर एक एन चैनल मॉसफेट है HY3003 जो कि इस मोटर को ड्राइव कर रहा है और इसको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है EIC। इस पर कोई भी नंबर मुझे नहीं मिला, मे बी हो सकता है कि इसको मिटा दिया गया हो ताकि कोई इसको कॉपी ना कर पाए। यहाँ पर एक और IC है SH4056 और मे बी शायद ये चार्जिंग IC हो जो कि USB से पावर लेके बैटरी को चार्ज कर रहा हो। बैटरी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पर USB पोर्ट हो गया और एक LED भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सिंपल है, ये IC बटन्स को ड्राइव कर रहा है, जो भी आप यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड करते हो ये IC उसको प्रोसेस करके MOSFET के गेट को ड्राइव करता है जिससे ये मोटर मूव करती है। और सिमिलर अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तो ये LED जल जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सिंपल है, बस यही है कि ये जो ड्राइवर है, ये जो मेन माइक्रो कंट्रोलर है, इसके बारे में पता नहीं चल पाया। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस मिनी ग्राइंडर के अंदर क्या होता है। आइए अब इसको फटाफट से असेंबल कर देते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको ये ग्राइंडर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इस ग्राइंडर को लेके, आप वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। और अगर आप इस ग्राइंडर को परचेज करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा।
तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की मेरी कोई वीडियो मिस ना पाए। नमस्कार, बाय बाय।